मेरे काकी माँ काकुसा को छोड़ दीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है, उन पे गलत एलिगेशंस लगाए गए हैं। काकी माँ काकुसा तो मेरे लिए भगवान का रूप है। इस सब में अगर किसी की गलती है तो मेरे पेरेंट्स की है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कि प्लीज प्लीज उन्हें जाने दीजिए। एक्चुअली कुछ दिन से मैं परेशान थी क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, मैंने इसीलिए स्लीपिंग पिल्स ली क्योंकि मुझे ये फीलिंग हुई कि मैं एक अच्छी वाइफ नहीं हूँ, एक अच्छी माँ नहीं हूँ और मुझे जीने का कोई हक नहीं है। ना बीनी, ऐसा मत बोल, तेरी जैसी दूसरी बीनी तो हमें मिल ही ना सके। काकी माँ तो सबका कितना ख्याल रखे, तू अपने दिमाग से ना सारी बातें निकाल दे, मत सोच ऐसा। जहां तक मुझे लगता है गलती हमारी है कि हम आदि की गलती को रोक नहीं पाए। रोकना तो दूर की बात है, हम उन गलतियों को देख भी नहीं पाए। हम ये भी नहीं देख पाए कि तेरे जैसी आदर्शवादी, तेरे जैसी सबका ख्याल रखने वाली इतनी प्यारी बीजनी इतनी परेशानियों से गुजर गई। बेटा जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते, अब तेरे साथ और अन्याय नहीं होने देंगे। आदि वादा कर और माफी मांग। काकुसा रहने दीजिए। आदि एक बात कान खोल के सुन, दोबारा उंगली उठाना तो दूर, तू उससे ऊंची आवाज में भी बात नहीं करेगा। बेटा माफी मांग। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, I'm sorry. समदन जी, हमें माफ कर दीजिए। समदन जी, बेटी के प्यार में हम अंधे हो गए थे। आदि को तो हमेशा हमने अच्छा पति देखा है, हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ये ऐसा निकलेगा। मॉम प्लीज उठिए यहाँ से। माँ काकुसा का दिल बहुत बड़ा है, वो शायद आपको माफ कर दे लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। भूल जाइए कि मैं आपकी बेटी हूं और मैं भूल जाऊंगी कि आप दोनों मेरे माँ बाप हैं। ऐसा नहीं बोलते, ये तुम्हारी माँ है, माँ ही चिंता करेगी ना अपने बच्चों की। नहीं काकी माँ, वो माँ है तो क्या हुआ, आप भी तो मेरी माँ है। शादी के बाद आपने मुझे माँ का प्यार दिया है, आपके साथ ऐसा कुछ हो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। देवो उसकी बात बताना आसान तो नहीं होगा, पर आज हिम्मत करके बात करनी पड़ेगी। मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ काकी। मैंने किसी से कोई बात ना करनी है। प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनिए ना काकी माँ। काकू साहब, मैं जानता हूँ पिछले दिनों बहुत कुछ हुआ इस घर में, कई चीजें आपकी नजरों के सामने हुई और कुछ आपकी पीठ पीछे,
मैं जानता हूं जो बातें सामने आई उससे आपको बहुत तकलीफ पहुंची। ये भी जानता हूं कि निशा और मेरे बीच में जो तनाव है वो आप दोनों को बर्दाश्त नहीं, इसके मैंने एक फैसला लिया है काकू साहब। मम्मा जल्दी ब्रेकफास्ट दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। शुरू को कॉलेज ड्रॉप करके ना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी है ऑफिस में। मम्मा शुरू ने आज फिर से जानवी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है कॉलेज में भी। नहीं कुछ नहीं होगा, जस्ट डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। ओके गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आप ना बस बहाने मारते रहो, ब्रेकफास्ट मत देना। अरे लेट हो रहा है, उसको ड्रॉप भी करने। और मैं ना बॉस को फोन कर देती हूँ, ये तो बाद में मुझ पे चिल्लाएंगे। ओ गॉड, एक तो ये फोन ही नहीं उठाते हैं। ऐसा लगता है मेरा नाम सेव किया है डू नॉट पिक। आप मेरी टेंशन मत लो, आप ना आराम से जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे मैं ड्रॉप कर देती हूँ ना, उसमें क्या हो गया? आई विल ड्रॉप यू। बोला ना एक बार, आई कैन मैनेज, चली जाऊंगी अकेली। एक्चुअली यू नो मम्मा, शी इज राइट। सुरू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू नो दैट। और वैसे भी मम्मा ये नौटंकी मोगैम्बो है, ये खुश तो सब खुश। मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत दुख पहुंचा है, मेरी वजह से आपको आज ये सब देखना पड़ा। काकू साहब हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आदि एक काम है। जी। उस दिन पुलिस स्टेशन में तेरी काकी वहां की तबीयत बहुत खराब हुई थी, बीपी बढ़ गया था। फिर वहां पर एक लड़की है जिसने तेरी काकी वहां को दवाई दिलवाई। मैं उस लड़की का पता लगाना चाहता हूं और पर्सनली जाकर अपना शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। काकू साहब बस यही बात थी। क्यों, कोई और बात थी? नहीं जी नहीं, मैं पता करवाता हूं। आनिया बिंदी, कैसी है तेरी काकी वहां की तबीयत? बीपी कम हुआ? तबीयत में कोई फर्क नहीं बेटा? वो डॉक्टर ने क्या कहा था, वो एक ही इलाज है, उसे कहे कि ज्यादा सोच विचार और चिंता ना करे। हाँ मैं आके मिलता हूं। काकी मां की तबीयत ऑलरेडी खराब है, ऐसे में अगर उन्होंने वो लेटर पढ़ लिया तो तबीयत और खराब हो सकती है। इतनी बड़ी गाड़ी नजर नहीं आती आपको? सॉरी सर, लेकिन हम ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर हैं, इसलिए ना ही आप मेरे बॉस हैं ना ही मैं आपकी इंस्ट्रक्शंस मानने वाली हूँ। सो यू स्टे स्टिल। व्हाट? ओह गॉड। क्या? एग्जैक्टली बताओ कि हुआ क्या है? जो कुछ हुआ है उसके बाद तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? यू शुड कम फास्ट। डॉक्टर आ चुके हैं लेकिन काकी माँ तुमसे मिलना चाहती है।